नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कमल डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हमारे फार्म हाउस पर बहुत ही बढ़िया गोमाता ने जन्म दिया है और हम उनसे मिलाएंगे जो हमारे भाई साहब यहाँ पर हमारे फार्म हाउस पर देख रहे करते हैं, मोहन जी गुजर, और वो बताएंगे कि इस कौ के कितना मिल्किंग है और कौन से ब्यात में है और इसको अभी फीड में क्या क्या खिला रहे हैं। और ये देखिए अभी इनको बच्चों को दूध पिला रहे हैं। अभी मात्र 1 घंटा हुआ हमारे गोमाता ने जन्म दिया है। और जी मोहन जी, ये कौन से ब्यात में? अभी ये यह तीसरा ब्यात है, तीसरे ब्यात में, और इसके नीचे क्या है? अच्छा, यह टोकरिया बचड़ी। नीचे बछड़ी है क्या इसके? जी, हाँ, इसके कितना क्या मिल्किंग है अभी? ये इसके मिलकर ना, यह तो अभी दुआ रही थी और ये दुआ तो ब्याह में दे अच्छा, अभी सुबह इसका दूध निकाला था आपने? ही है। जी बिल्कुल निकाला है, सुबह इसका कितना दूध था अभी सुबह मॉर्निंग में? बिल्कुल 6 लीटर था। 6 लीटर। जी हाँ, ओके जी। और इसका जो जब अब ये ब्याह गई तो इसके बाद इसका जो मिल्किंग रहेगा वो कितना रहेगा इसका मिल्किंग? ये ब्याह गई है, लेकिन अब इसका क्या हो जाएगा, 10-12-15 लीटर तक हो जाता है। अच्छा जी, इसके 12 से 13 लीटर इसका दूध होगा, और जो दिन भर का दूध है इसका लगभग 25 केजी होगा, हाँ, आराम से होगा। आराम से होगा। तो ये बताइए मैं इसके, आप जो भी इसके फीड में हो अभी, आप क्या क्या दे रहे हो इसके फीड में? जिन इनको दे रहे हैं, खल दे रहे हैं और बढ़िया वो जो घाट है, जो बढ़िया उबाल कर देते हैं, और चना चोरी और घाट वैसे और रहे, गट्टे अच्छा, जो गाड़ हो गई, गट्टे चोरी खल हो गई, चूरी हो गई, भूसा हो गया, आप भूसा। मतलब 3-4 तरह के फीड में दे रहे हो जी बिल्कुल, जी। ये तो अभी ब्याह है तो अभी इसको आप कुछ इंजेक्शन इंजेक्शन दे दिया या? अच्छा, हाँ, वो जड़ के इंजेक्शन दिए है और नाल पे है, गुड़ दिया है, गुड़ भी पाया है। वो हाँ, यूट्राटोन का एक इंजेक्शन दे दिया होगा अभी, और एक जल्दी जेल दे दी होगी शायद। जेल दे दिए। अच्छा जी, मोहन जी बताइए कि हमारे जितने भी किसान भाई है तो उनको ये भी देना चाहिए, अगर मतलब अगर किसी भी भाई के अगर गोमाता घर ब्याह ने तुरंत बाद एक तो यूट्राटोन और एक जेल और गुड़ का पानी पिलाना चाहिए जिससे आसानी से जड़ जड़ पड़ गिर जाते जाए। हैं। हाँ बिल्कुल सही। जी, बहुत ही बढ़िया मोहन जी, गुजरात हमारे फार्म पर ये देख रहे करते हैं और अभी ये बच्चों को दूध पिला रहे हैं। बहुत ही अच्छा इसका आर्डर देखिए, बहुत ही अच्छा आर्डर है किसान भाइयों। इसका जो तो मिल्किंग है वो 12 से 13 लीटर इसका मिल्किंग रहेगा। बहुत ही अच्छी गोमाता हाइट देखिए, बहुत ही अच्छी हाइट है। और हमारे पर भी सभी गायों को दूध निकालने के बाद इधर बाल निकाल देता है और इधर ये टीशर्ट लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा आप देख रहे हो, ताकि धूप में आराम से नीचे आके बैठ सकती है चायों में। ये देखिए बहुत ही अच्छा, हमारी गौ माता भी मोहन जी दूध पिला रहे हैं नीचे बछड़े को, बछड़ी है इसके नीचे। अडर देखिए, बहुत ही अडर है, आप देखिए अच्छा, देखिए जो दूध की नस होती है, देखिए दूध की नस मिल्किंग रहेगा, बहुत ही जबरदस्त मिल्किंग रहेगा दोस्तों।